दिस इज योर जीरो राइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम मिनी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, हमें नहीं ऑटो बहुत अच्छा लग रहा है, हम जैसे इसी में ट्रैवल कर रहे हैं। और मतलब कहीं भी जाना ना तो इसी को पकड़ लेते हैं, बहुत मजा आता है। खुला खुला सर में देख लो, तीन टाइम हाँ वो ये देख लो कितना मस्त है, मतलब खुला खुला है ना, वॉमिट ना कुछ। मैंने इनको बोला हमें एक काम करते हैं, भदरवा के लिए एक ऑटो रख लेते हैं जम्मू में, मतलब जम्मू से ना हम भदरवा इसी ऐसा ही ऑटो में जाएंगे, एक तो सामान भी लग जाएगा, दूसरा मतलब मस्त से जाएंगे, वॉमिट वॉमिट नहीं आएगी, क्योंकि इनको भी वॉमिट आती है, जैसी तकलीफ मुझे गाड़ी में होती है ना इनको भी होती है, बिल्कुल नहीं बनता है ट्रैवल करना बस वगैरह। ये बोल रहे थे कि बाइक के लिए, मैंने कहा ये वाला ले लेते हैं, और आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। आवाज़ भी नहीं आ रही, अभी मैं इनको लेने आई थी यहाँ से, इन्होंने रूम रखा हुआ था यहाँ पे रेलवे के आसपास, तो अभी मैं इनको लेने आई। अरे मेरी हालत इतनी ख़राब हुई ना, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी लग रही है। अच्छा जैसे गुजरात में बर्फ़ पड़ रही होती है ना, गुजरात में तो ये बनाने नहीं देगा। तो गाइस अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ सीधा आपसे वहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ ना पी 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 हो रहा है, उसके बाद आपको सुनाना भी है ना कुछ कुछ सुनाना। ख्वाब सा तेरी आंखों में जादू रे, मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के उनका साथ साथ फिर खाऊंगा। मन कर रहा था सब्जी फुलका खाने का, और कोल्ड ड्रिंक और रसमलाई भी मंगवाई है, और इनको ना फोन उधर ही भूल गया रूम पे, इसलिए अब हमें यहाँ से सीधे रूम पे वापस जाना पड़ेगा, फिर हमने वीडियो बनाने जाना है। इनको शर्म आती है जब मैं व्लॉग बनाती हूँ, इनको शर्म आती है। गाइस ये खाना आ गया, मैंने मिक्स वेज दो रसमलाई एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, और ये इतना टेस्टी है ना कसम से, बहुत मज़ा आया, मतलब कल से ना अभी कोई अच्छा खाने को मिला है। कौन सा होटल थी ये ना, बस स्टैंड में खाना खजाना है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी ना मतलब थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, हम ना वहाँ खाना वाना खा रहे थे, उसके बाद ना मेरी हालत कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो अभी फ़िलहाल हम रेस्टोरेंट आए थे, और थोड़ी दूसरे वाले रेस्टोरेंट आए थे ऐसे ना, पहले दवाई शवाई ली, फिर बहुत टाइम हो गया, अब ना शाम शाम जैसी हो रही है, अब इन्होंने निकलना भी है वापस, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं, और जो मैंने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरी ना कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, और मैं ये मस्ती कर रही थी, अभी थोड़ा बहुत ना ठीक हुई हूँ। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने जाना है, तो इनको मैं ड्रॉप करूँगी रेलवे, उसके बाद मैं पीऊँगी पहले जूस, ना पाइनएप्पल वाला जूस, ठीक है ये मुझे पाइनएप्पल वाला जूस पिलाएंगे, और मुझे लगता है हमारी स्टोरी पेंडिंग रह गई है, और वो स्टोरी आपको वीडियो कॉल पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई, ऐसा ना ऐसे हो रहा है, धूप बहुत हो गई ना, तो उसकी वजह से मेरे को ना चक्कर आ रहा है, ना चक्कर जैसा आ रहा है, फीवर चढ़ गया मुझे बहुत गंदा वाला, ऐसे ही आपको मुसीबत हो गई, मुसीबत हुई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे ना मैं गाड़ियों के साथ खेल रही हूँ, देखा मजा आया। सो फाइनली गाइस ये रही जीनत, आपकी कैसे हो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हो गया है? गाइस सामान देखो पहले इसका, ये कौन उठाएगा ये बताओ मेरे को पहले। गाइस एक्चुअली ना मैं अभी टेस्ट करवा के आई हूँ, मेरे को जॉइंटस के सिम्टम्स हैं, बोलना भी नहीं आता है, जॉइंटस, तो मेरी मतलब जो भी खा रही हूँ वो वॉमिट हो रहा है, जो भी खा रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे नजर ही लग गई है। अच्छा अच्छा, गुजरात से कब आए आप लोग मेरे को ये बताओ, हैं कब आए हो गुजरात से, ये तो बोलो मेरे को यार, हद होगी। कुछ कुछ बंदे ये बोलते हैं हमें बुलाया नहीं एंगेजमेंट पे, हद होगी यार। अबे मेरे को तो बुलाया था तूने, मैं तो बोलता हूँ भाई, बाकियों को पता नहीं है, पता तो सबको था। सही बात है सही बात है, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं किसी को। बाकी लाया गुजरात से वैसे तूने?
हैं? अयाज भाई को ले आना था साथ में, वो आए थे जम्मू मेरे बर्थडे पे। हाँ सुना था मैंने कहीं बर्थडे पे आए थे तेरे वो। चला गया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। ऐसा डर नहीं जाना मेरी हालत देखकर, मेरी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आज मैं घर पे आ गई हूँ। मतलब हाँ व्लॉग आधा रह गया था, हमने सोचा व्लॉग वगैरह बनाएंगे। जब जब हमने वहाँ पे खाया वाया उसके बाद वहीं पे मुझे कुछ हो गया, मतलब पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई शायद, मुझे कुछ समझ नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया वहाँ पर, मुझे ना वॉमिट जैसा होने लगा। तो उससे पहले दिन भी एक बार वॉमिट हुआ था, हाँ उससे एक दिन पहले वॉमिट हुआ, मैं वो वेफर वगैरह खा रही थी तो वॉमिट हुआ, उसके दूसरे दिन सुबह ही मुझे वॉमिट हो गई, मेरी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। उसके बाद उनकी 2 घंटे बाद ट्रेन थी तो व्लॉग फिर नहीं बना पाई मैं, क्योंकि मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही थी। ऐसे तैसे उनको रेलवे तक पहुँचा के उनको नहीं बोला, क्योंकि फिर मुझे लगता था वो जाते ही नहीं वहाँ से अगर उनको पता चल रहा मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद वो चले गए तो व्लॉग फिर मैंने जो आपको कहा था कि हम सुनाएंगे बताएंगे साथ बैठकर, वो हुआ नहीं पॉसिबल, मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं रूम पे चली गई अपनी फ्रेंड के, तो वहाँ पे ऐसे तैसे मेरी रात कटी है। सुबह मैं निकली हूँ घर के लिए, पर सफ़र और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, वॉमिट पर वॉमिट हो रही थी। फिर मैं रुकी अपनी फ्रेंड के बटोत में सना के, आप देख लेना मैंने उसके साथ एक व्लॉग बनाया था, मेरी बचपन की फ्रेंड है वो। वहाँ पे रुकी तो वहाँ पे मेरी हालत बहुत ख़राब, वहाँ पे भी फिर जब मैं नेक्स्ट डे उठी सुबह चाय पी वॉमिट हो गई। फिर हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि जॉइंट इस पता नहीं कोई जॉइंट पता नहीं कौन सी वो है उसके सिम्टम्स है। मैं और ज़्यादा डर गई, तो उन्होंने कहा टेस्ट में टाइम लगेगा, तो मैंने कहा घर जा कर कराऊँगी, क्योंकि सजाद मुझे लेने आया था, क्योंकि मैं गाड़ी में तो अब जा ही नहीं पाती। उसके बाद हम मैं सजाद के साथ निकली वहाँ से और घर पहुँच गई हूँ कल, और सुबह चली गई थी मैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा मतलब वॉमिट बिल्कुल कंटिन्यू है, कुछ भी खाऊँ तो कंटिन्यू वॉमिट कुछ भी खाऊँ। अभी सुबह डॉक्टर के पास जाके तो फिर उन्होंने 4 इंजेक्शन लगाए, उन्होंने इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, एक इधर बाजू पे लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया और एक इधर लगाया। तो उसके बाद थोड़ा ठीक लगने लगा, उसके बाद फिर टेस्ट करवाया तो इन्फेक्शन थी लीवर में, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, शायद मैं कुछ वहाँ पे खा गई थी गंदा सा जम्मू में, तो उसी की वजह से इन्फेक्शन हो गई थी। तो अभी भी मैंने सोचा कि उस व्लॉग का एंड कर देती हूँ, 2-3 दिन से पहले व्लॉग नहीं आया, तो उसके बाद अब भी ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, लग रहा नहीं है, है उतरा हुआ, मतलब निकल ही नहीं रही, आवाज़ ही नहीं निकल रही टोटली। मेरा सामान भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं किया है, व्लॉग भी नहीं बना पाई वहाँ पे, पूरा अफसोस है मुझे, इतनी दूर से आए थे तो अच्छे से रह नहीं पाई, क्योंकि सडनली तबीयत ही ख़राब हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हालत हुई, बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, कल समझे मुझे वॉमिट से ऊपर से पेट में इतनी लगती है हद से भी ज़्यादा। अभी थोड़ा बहुत लग रहा है कि ठीक हूँ, पर अभी भी ना भारी भारी वाला खाना खाया ही नहीं जाता। तो अभी फ़िलहाल मुझे यही बताना था, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा व्लॉग अब कब तक नहीं आएगा, मैं बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा थकी थकी हूँ, और ना कुछ कंडीशन बिल्कुल अभी ठीक नहीं है उतनी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी कुछ दिन, तो कर भी पाऊँ क्या पता आज ही मतलब ठीक हो जाऊँ, क्या पता कल ठीक हो जाऊँ, तो कोशिश करूँगी कि जल्दी ठीक हो जाऊँ और वापस अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँ। तब तक आप ये वाले व्लॉग पे बहुत सारा प्यार बरसाना, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी ही मिलेंगे।